हमारे जीवन के आसपास बहुत सी चीजें विद्यमान है, लेकिन जब तक हम उसके गुण और प्रभाव से अनभिज्ञ है तब तक उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जी हाँ, हम अखरोट वॉलनट की बात कर रहे हैं। ये अखरोट भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अखरोट में मौजूद तत्व हमारे सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। अखरोट बहुत ही बलवर्धक है, हृदय को कोमल करता है, हृदय और मस्तिष्क को पुष्ट करके उत्साही बनाता है। इसकी भुनी हुई गिरी सर्दी से उत्पन्न खांसी में लाभदायक है और यह बात पित्त टी भी हृदय रोग, रुधिर दोष, वात, रक्त और जलन को नाश करता है। आप अखरोट का सेवन 10 ग्राम से 20 ग्राम तक की मात्रा में कर सकते हैं। अखरोट खाने की सही विधि, 20 ग्राम अखरोट को एक गिलास दूध में डालकर उबाल लें। उबलने के बाद इसमें मिश्री डालकर अच्छी तरह से मिला लें। फिर थोड़ी देर बाद इस मिश्रण का सेवन करें। अखरोट के सेवन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसमें मौजूद विटामिन ई, ओमेगा 3 तथा एंटीऑक्सीडेंट तत्व मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। अखरोट में मौजूद विटामिन और खनिज तत्व उम्र के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी को भी दूर रखने का काम करता है। ओमेगा 3 की कमी से तनाव, गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, लेकिन अखरोट के सेवन से इन सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। अखरोट के सेवन से डिप्रेशन से भी राहत मिलती है। अखरोट के सेवन से हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। नियमित अखरोट के सेवन से रक्त में थक्के बनने की संभावना कम हो जाती है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। अगर आपको पथरी की शिकायत है तो साबुत, छिलके और गिरी सहित अखरोट को कूट छानकर एक चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी में कुछ दिनों तक नियमित रूप से सेवन कराने से पथरी मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। अखरोट को छिलके समेत पीसकर चूर्ण बनाकर रखें। एक एक चम्मच चूर्ण ठंडे पानी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम खाएं। इससे पेड़ों का दर्द और पथरी दोनों ठीक होती है। जिन लोगों को फुंसियां अधिक निकलती हो तो एक साल तक रोजाना प्रतिदिन सुबह के समय 5 अखरोट सेवन करते रहने से हमेशा के लिए लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा चैनल और देखते रहिए और भी रोचक खबरें।